नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। सिविल प्रोसीजर कोड की जो ये लेक्चर सीरीज हम लोग चला रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की, इसका लेक्चर नंबर 24 है। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंस अंडर सीपीसी। निर्देश क्या होता है, व्हाट इज द रेफरेंस, रेफरेंस किसको कहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। रेफरेंस अंडर सीपीसी इज डील्ड अंडर द सेक्शन 113 ऑफ द कोड। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 113 में रेफरेंस के बारे में बात किया गया है। इट मेंटेन्स दैट अ सबॉर्डिनेट कोर्ट कैन रिफर अ डाउट टू द हाई कोर्ट वेयर द फार्मर थिंक्स दैट देयर शुड नॉट बी मिस इंटरप्रिटेशन विद द रिगार्ड टू एनी लॉ। दिस इज कॉल्ड अ रेफरेंस। इसका मतलब यह है कि कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट, किसी भी मैटर में अगर कोई डाउट हो रहा है किसी वाद के निर्णय में या उससे रिलेटेड किसी भी क्लॉज में, रूल्स में, ऑर्डर्स में, अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे डाउट है, तो वो हाई कोर्ट के उस जैसे वाद को या उस तरह के वाद जो हाई कोर्ट ने पहले डिसाइड कर रखे हैं उसका निर्देश ले सकता है, उससे इंटरप्रेट कर सकता है कि आपको उस केस में क्या करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका विधि को समझने में मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। इसी को रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस लेना कहते हैं कि आप अपने से किसी वरिष्ठ को की बातों को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको रेफरेंस लेना कहते हैं। नो पार्टी टू द सूट हैज द राइट टू अप्लाई फॉर रेफरेंस। अब देखो, किसी पार्टी के पास, चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो रेफरेंस ले सके हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। ये केवल राइट उसी न्यायालय के पास है रेफरेंस लेने का। इट इज ओनली द सबॉर्डिनेट कोर्ट विच हैज द पावर ऑफ रेफरेंस सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन, अपने मोशन पे वो रेफरेंस ले सकती है व्हेन देयर इज डाउट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लीगल प्रोविजन। अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं, किसी लीगल प्रोविजन की वैलिडिटी में मुझे खुद जाकर न्यायालय, उच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से निर्देश लेना चाहिए, तो वो ऑन सुओ मोटो वो निर्देश ले सकती है। इसी को निर्देश लेना कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस अंडर सीपीसी। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, रेफरेंस लेना या निर्देश लेना किसे कहते हैं और किस केस में कोई लोअर कोर्ट अपने से उच्च कोर्ट से निर्देश प्राप्त कर सकती है।